कांग्रेस और अलायंस जो इंडिया अलायंस है मैं खुद उस मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ इतने डेमोक्रेटिकली डिस्कशंस होते हैं लोग अपनी बातों को रख पाते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई मोदी जी के सामने सवाल उठा सकता है अमित शाह जी के सामने सवाल उठा सकता है कोई नहीं उठा सकता इंडिया अलायंस लोगों का अलायंस है और जो एन का अलायंस है इसमें केवल चार लोग दिखाई देते हैं और अब पाँचों भी ऐड हो गया है लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिट जो कांग्रेस पार्टी की है एक एक सीट पर नेशनल कमेटी के, के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई है लीडर्स की मीटिंग हुई है डिस्कशन हुई है तो सात सीट जो दिल्ली की है लक्ष्य क्या है कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी की देखिए दिल्ली में मेरी बात को लिख लीजिएगा सातों सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगा इसका कारण है दिल्ली में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो व्यापारियों का है और व्यापारी सबके सब परेशान हैं कभी सीलिंग से परेशान है कभी जीएसटी से परेशान है और इनकी बनाई हुई पॉलिसी से परेशान है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के लोन इस सरकार ने माफ करे कोविड के समय इतने व्यापारी अपने बिजनेसेस को छोड़ छोड़ के चले क्या इस सरकार ने आज तक जाके पूछा उनसे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं किसी की मदद इस केंद्र सरकार ने नहीं करी तो मुझे लगता है मिलकर हम लड़ेंगे और सातों सीटें जीतेंगे एक सवाल और आजकल एक पब्लिक कैंपेन जन अभियान सत्ताधारी रही है कि केजरीवाल को बीजेपी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है चूंकि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो ई के सी के निशाने पर हैं ऐसे में दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे आम आदमी पार्टी की सरकार रहे ऑलरेडी पार्टी सरकार में है केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं तो इस पब्लिक कैंपेन जन अभियान का क्या ऑब्जेक्ट है देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंपेन्स करती रहती हैं भारतीय जनता पार्टी भी कैंपेन करती है एक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा इंडिया शाइनिंग का कैंपेन भी करा था पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन कर सकती है सब कर सकते हैं जो भी पोलिटिकल दल है कर सकते हैं परंतु तो भारतीय जनता पार्टी का जो दो अलायंस के पार्टनर्स हैं ईडी और सीबीआई उसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए कि जैसे ही कोई वॉशिंग मशीन में बाहर निकलता है तो वो एकदम क्लीन हो जाता है क्यों ईडी हमेशा विपक्षी दलों पर आवाज उठाती है क्यों आज तक उन्होंने अजीत पवार महाराष्ट्र में रैली में मोदी जी कहते हैं अजीत पवार जी का नाम लेके कहते हैं कि वो भ्रष्ट हैं और अगले दिन उनके साथ हाथ खड़े हुए दिखाई देते हैं तो ये जो सिलेक्टिव कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी की हो रही है लोग देख चुके हैं लोग समझ चुके हैं और मैं आपको दावे से कह रहा हूं सब लोगों ने मन बना लिया है इस समय बेरोजगारी महंगाई और देश में फैलती नफरत के खिलाफ इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है और देश को आगे इंडिया अलायंस अलायस लेके आपने दावा किया सातों सीट जीतेंगे लेकिन बड़ा भाई कौन होगा एक सौ साल पुरानी पार्टी कांग्रेस या नई नई वाली पार्टी देखिए अपनी सोच हो सकती है किसी परिवार में छोटा भाई भी बड़े की भूमिका निभाता है और किसी परिवार में बड़ा भी बड़े की भूमिका निभाता है और जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है इसमें बड़ा भाई तो बड़ा ही होता है